हेलो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने जा रहे हैं लीट कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, जिसका नाम है अरिथमेटिक सब अरेज। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं पहले ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है ना, उसके बाद हम फर्दर इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक इफ इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम अरिथमेटिक कहेंगे जिसमें दो एलिमेंट कंटेन होंगे, और यही नहीं बस कि हमें कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के जो डिफरेंस होंगे ठीक है वो सेम होंगे, तभी हम उसे कह सकते हैं एक प्रॉपर अरिथमेटिक सब एरे है। ठीक है, जैसे इन्हें यहाँ पे दे रखा है कि अगर जैसे एस ऑफ आई प्लस वन माइनस एस ऑफ आई इक्वल्स टू, मतलब जो अगल बगल के एलिमेंट होंगे उनके सबके सेम होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो क्यू वन और थ्री है, तो थ्री माइनस वन टू, फाइव माइनस थ्री टू, सेवन माइनस फाइव टू, तो बेसिकली सबके डिफरेंस सेम है ना। तो इसी चीज को हम कहेंगे एथमेटिक सीक्वेंस। नॉन एथमेटिक कैसे होगा, तो ऐसा सा हो गया कि इनके अलग अलग डिफरेंसेस दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, है ना। और अब ये क्या क्या रहा है कि हमें एक एरे ऑफ एन इंटीजर्स दिया हुआ है, ठीक है, नम्स, और दो एरेज दिए हुए हैं इच एल एंड आर, ठीक है, जो कि हमें रेंज दी हुई है उनकी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो एक टेक्निक इसका ये हो सकता है कि हम या तो एरे को सॉर्ट करके काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अब सॉर्टिंग की थिंकिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि यार वो क्या बोल रहे हैं कि हमें कॉमन डिफरेंस वाली चीज़ें चाहिए, तो अगर हम सॉर्ट कर लेते हैं ना तो ये चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 13579 है ना, तो वो हमें अच्छे से ज़्यादा अच्छे से हम उसको देख सकते हैं। जैसे चलो हम देखते हैं, यही एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, आ जाओ, चलो देखते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सा दिया हुआ है, ओके, तो 1 3 5 7 9 12 14 16, राइट। सपोज ऐसा सा, इसके इंडेक्स भी हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 8 एलिमेंट है टोटल, है ना। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि जैसे ये कंसेक्यूटिव है या नहीं, है ना, कि कैसे वो पता चलेगा कि अरिथमेटिक सब एरे है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो जैसे सपोज हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हम डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा हमने दिया हुआ है कि अगर हमारा ए आर ऑफ वन, ये सपोज हमारा एरे है, ठीक है, और ए आर ऑफ जीरो, ठीक है। तो अब पोजिशन पे देखो क्या है, यहाँ पे तीन है एरे ऑफ जीरो, इंडेक्स वैल्यू कितनी है वन, यहाँ पे टू आ रहा है ना, तो हमने इन दोनों को तो ले लिया। सेम गोज फॉर 517, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, या इस जगह पे अगर हम आए, तो बेसिकली एरे ऑफ 5 माइनस एरे ऑफ 4, तो यहाँ पे क्या होगा 12 माइनस 9 जो कि 3 है, तो नहीं ये नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे बदल चुकी है। ठीक है, अब सवाल ये कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, एक तरीका तो हो गया सॉर्ट करने का, ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें एक सेफ फंक्शन लगा लेंगे या चेक फंक्शन जो आप कहना चाहेंगे, जो कि एरे को चेक कर रहा होगा, ठीक है, कि उनमें सेम डिफरेंस वैल्यू है या नहीं। ठीक है, तो उस चेक से हमारा आधा काम हो जाएगा और बाकी हमें फर्दर सब एरेज को ये करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम मूव कर सकते हैं वैसे कोड पे। अगर कोई यहाँ तक कोई अगर किसी को कोई डाउट आए ना तो मुझे एक बार चैट में बता देना, ठीक है। तो अगर आप बता दोगे मुझे चैट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बता देना आप मुझे, ठीक है। तो चलो फिलहाल इसके इसे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसे हम कैसे ड्राई रन करके देखेंगे, है ना। आ जाओ, ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि चलो पहले एक सेव फंक्शन या चेक फंक्शन बना लेंगे कोई भी, ठीक है। सो लेट्स डू इट, पब्लिक बूलियन चेक ही करना है, तो बूलियन हम रिटर्न करा सकते हैं यहाँ पे आराम से, है ना। तो एक एरे ले लिया हमने, ठीक है, और उसको क्या किया, एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन होता है, जो कि बेसिकली ये इसे मैं कभी और दिन बताऊंगा, पढ़ाऊंगा जब एरेज टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा ना, फिर मैं बता दूंगा आपको ये काम कैसे कर रहा है बेसिकली एरेज डॉट सॉर्ट।
अगर आपको नहीं पता है तो, अगर पता है तो वेल एंड गुड, है ना। तो डिफरेंस में हम क्या स्टोर कर लेंगे, पहले का, ठीक है, एरे ऑफ वन माइनस एरे ऑफ जीरो, पहले का हम ये करके रख लेंगे कि डिफरेंस में यार ये आ रहा है हमारा एरे का, ठीक है। और हम उसे फर्दर इंडेक्स के लिए चला देंगे, मतलब आई देखो, आई हमारा आई इक्वल्स टू वन, आई इक्वल्स टू जीरो, जीरो वन मतलब दो एलिमेंट का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिफरेंस से, तो हमें उनको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, हमें आगे वाले एलिमेंट्स को देखना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सीधा आई इक्वल्स टू टू से काम करेंगे, है ना। और एरे डॉट लेंथ, ठीक है, तो मैं ये जावा में ही कोड कर रहा हूँ। तो अगर हमारा एरे ऑफ आई, है ना, माइनस क्या, एरे ऑफ आई माइनस वन, है ना, अगर ये डिफरेंस के इक्वल नहीं होता है तो क्या हुआ, इसका मतलब हमारा सब में कहीं गड़बड़ है, वो सब एरे में कोई इश्यू है वहां पे, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा हमें, वरना वो सीधा रिटर्न ट्रू कर देंगे, है ना। अगर कोई इशू नहीं है तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट किसी को फिलहाल तो नहीं होना चाहिए, बट कोई नहीं, हम इसे ड्राई रन करके देख लेंगे इसे भी, ठीक है। अब बारी आती है मेन, जो हमारा मेन फंक्शन है, या चेक अरिथमेटिक सब एरेज वाला, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, तो पहले तो यहाँ पे हम ये बना लेंगे आंसर वेरिएबल, एक हमारा लिस्ट, लिस्ट में रिटर्न करना है ना इनको, तो चलो रिजल्ट का ही बना लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम ट्रैवर्स करेंगे इन पे, ठीक है। दोनों में से किसी पे भी ट्रैवर्स कर सकते हो, लेफ्ट या राइट पे, ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। और हम एक यहाँ पे एरे बना लेंगे, ठीक है, न्यू इंट। हाँ, यहाँ पे आई नो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसे हम देखेंगे अभी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप देखते जाओ कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, ठीक है। जब हम इसे ड्राई रन करेंगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जे क्वेश्चन टू एरे ऑफ लेंथ तक जाएंगे, ठीक है। ठीक लेंथ जे प्लस प्लस, ओके, और एरे ऑफ जे इक्वल्स टू, ठीक प्लस जे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, और इसको हम ऐड कर रहे होंगे हमारे रिजल्ट में, ऐसे नहीं कि सीधा कर दिया हो, हमें चेक कराना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा सब एरे मिला हमें, क्या वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में है भी या नहीं, वरना फिर पंगे कर देंगे, ठीक है। ओके, एक बार टेस्ट कर लेते हैं पहले कि चल भी रहा है या नहीं हमारा कोड, पता चला हम इधर ड्राई रन कर रहे हैं, चल ही नहीं रहा कोड, है ना, तो एटलीस्ट चेक तो कर ले। चल तो रहा है, चलो सबमिट करते हैं। चलो बढ़िया, और यहाँ हमारा वन डे स्ट्रीक भी बन चुकी है, ठीक है। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अब सवाल ये उठता है कि हमें इसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने। क्लियर तो ये हो गया, मतलब यहाँ चलो ठीक है, ऐसा सॉल्व सॉल्व तो कर दिया आपने, नहीं किया क्या हमने एक्चुअली, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ से हमारा मेन एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे इसी को लेते हैं, ठीक है, पहला टेस्ट केस ले लेते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या दे रखा है इनने, एक नम्स एरे है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 6 9, नहीं 4 6 5 9, 3 7, और एल हमारे दे रखा है 0 0 2, आर है हमारे पास 2 3 5, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली देखो, वो
सॉर्टिंग वाला फंक्शन तो क्लियर ही होगा आई गेस, मतलब ये सॉर्ट करके कंपेयर करने वाला। अगर ये नहीं क्लियर है तो मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये तो मैंने समझा दिया था बीच में, हमें ये वाला फंक्शन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा कि यार ये क्या कर दिया हमने, है ना? ठीक है, तो चलो देखते हैं हो क्या रहा है। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि हमने एक आंसर या रिजल्ट तुमने कुछ भी बना लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे लूप चलाना स्टार्ट किया है, ठीक है। कहाँ तक के लिए? तो जो भी हमारा ये एल और आर दिया होगा उनकी लेंथ के लिए, ठीक है, क्योंकि उतने तक ही हमें चाहिए फिलहाल के लिए सब एरेस, ठीक है। अब यहाँ देखो तुम, अगर मैं दिखा पाऊँ या, तो देखो तो लूप तो हमें पता चल गया कि एक लूप चल रहा है। अब लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो हम एक एरे बना रहे हैं, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी एक साइज होगी पर्टिकुलर। तो देखते हैं पहले के लिए, तो सपोज हम पहला टेस्ट केस लेते हैं आई इक्वल्स टू जीरो, है ना? तो अगर मैं आई इक्वल्स टू जीरो लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले क्या होगा, जो हमारी एरे बनेगी वो किस साइज की बनेगी? तो आर ऑफ जीरो ऑब्वियसली, ठीक है, माइनस एल ऑफ जीरो प्लस वन, ठीक है। अब जरा गौर करो, हमारा आर ऑफ जीरो क्या है यहाँ पे? टू है ना, टू माइनस जीरो प्लस वन कितना हुआ? वन, मतलब वन साइज की एरे बनेगी, ठीक है, इसका यही मतलब है कि हमने वन साइज का एक एरे बना लिया। अब उसके नीचे वाले लूप पे देखो, जो हमारा साइड वाला लूप होगा दिस वाला, है ना? परफेक्ट, ये मैं पहले क्यों निकला। तो अब ये जो बगल वाला लूप है, जे वाला लूप, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है? तो हमारी यहाँ पे जो फॉर लूप होगी वो क्या हो गई, जे इक्वल टू जीरो से कहाँ तक चलेगी? एरे की लेंथ तक। एरे की लेंथ कितनी है? वन, तो मतलब जे इज लेस देन वन, तो मतलब एक ही बार लूप चल रहा होगा बेसिकली, अपडेट हुआ तो खत्म हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो एरे ऑफ जे हमारा क्या आ जाएगा? नम्स एल ऑफ आई, है ना? तो आई हमारा यहाँ पे क्या होगा? जीरो, है ना, अभी के लिए तो आई जीरो ही है। ऊपर आई वाला लूप अभी खत्म नहीं हुआ है, आई हमारा यहाँ पे चल ही रहा है, ये पूरा प्रोसेस इसी के अंदर आ रही है ना? तो ये हो जाएगा एल ऑफ जीरो प्लस जे भी जीरो है हमारा, है ना? तो अगर हम देखें इसकी वैल्यू कितनी है, तो दोनों की वैल्यू जीरो ही है, ठीक है, एल ऑफ जीरो भी जीरो है और ये तो जीरो था ही। तो नम्स में हमारा जीरो, बेसिकली नम जीरो क्या हुआ हमारा? फोर आ गया, ठीक है। अब सिंगल एलिमेंट है तो अगर हम इसे पास करेंगे तो ये हमें फॉल्स ही देगा, है ना, क्योंकि एरिथमेटिक सीक्वेंस दो तो चाहिए कम से कम, डिफरेंस कहाँ से निकाले, तो फॉल्स ही है, ठीक है। अब अगले वाले पे आ जाओ तुम, ठीक है। सपोज अब हमारा होता है आई इक्वल्स टू वन, जब हमारा आई वन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू चेंज होंगी कि यार हमारे आर वन हो गया, एल वन प्लस वन, बेसिकली आर वन हमारा कितना था याद करो, आर हमारे पास क्या क्या है? टू थ्री फाइव है, राइट? तो आर वन में हमारा आ जाएगा यहाँ पे थ्री, एल वन में हमारा जीरो, जीरो जीरो टू था, जीरो प्लस वन, बेसिकली यहाँ पे टू, मतलब दो साइज की एरे यहाँ बन गई, ठीक है। अब जब हमारा यहाँ पे जे अब चलना स्टार्ट करेगा अंदर, क्योंकि एरे की लेंथ हमारी आ चुकी है, और जे कहाँ तक चल रहा है? उसी है जो हमने एरे बनाई उसी की लेंथ तक जाएगा वो, तो हमारा बेसिकली जे जाएगा जीरो से लेकर के जे लेस देन टू, है ना, क्लियर है ये? ठीक है, तो अब हमारा एरे ऑफ जे यहाँ पे जाएगा, ये होगा हमारे जे इक्वल टू जीरो के लिए, ये इनर फंक्शंस है, ठीक है, आई इक्वल टू वन के अंदर। तो जे इक्वल टू जीरो के अंदर क्या चल रहा है हमारा? नम्स एल ऑफ वन प्लस जीरो, तो यहाँ भी क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू फोर। तो ये जो हमारा एरे बनेगा बेसिकली यहाँ पे दो साइज का बना हुआ है, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे सपोज दो साइज का एरे बना हुआ है, ठीक है। तो पहला जो आएगा यहाँ पे जे इक्वल टू जीरो, मतलब अंदर में हमारा फोर फिलअप हो गया यहाँ पे, है ना। अब जब हम अगले वाले पे मूव करेंगे जो है जे इक्वल टू वन के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम नम्स इक्वल टू एल ऑफ वन प्लस यहाँ पे वन, आई की वैल्यू सेम रहेगी, आर बदल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा नम्स ऑफ वन, जिसका मतलब है ये होगी हमारी सिक्स वैल्यू, तो ये हमारे यहाँ पे सिक्स हो गया, ठीक है। अब जब हम इसे करेंगे, डालेंगे अपना सेफ फंक्शन में, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, दो ही एलिमेंट है ऑब्वियस सी बात है,
हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा। अब हम मूव करते हैं अगले टेस्ट केस के लिए, ठीक, जो कि हमारा नेक्स्ट होगा, मतलब आई इक्वल्स टू टू, है ना। कितने के लिए हमारा आई था, तो 3 तक ही चलेगी ना, आई की वैल्यू तो यहीं पे है, आर की लेंथ तक चल रही है, तो आई इक्वल्स टू लेस देन 3, मतलब ये लास्ट होगा हमारे पास केस, ठीक है। सो बेसिकली आई इक्वल्स टू टू, इसके लिए हमारी क्या होगी, तो आर माइनस टू एल टू प्लस 1, है ना। तो अब आर टू अगर देखो तो क्या है हमारे पास, 5 है, राइट, 5 माइनस टू प्लस 1, तो 5 माइनस टू प्लस 1 बेसिकली 4। हाँ, अब जिस तरह का हमारा ये है तो उसके हिसाब से हमारा एरे भी बनेगा यहाँ पे, मतलब 4 अगर हमारा आया तो 4 साइज का एरे रेडी हो गया हमारा आयत वाला। अभी जे का काम हुआ नहीं है, जे में जाने से पहले ही एरे इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है, हर बार हो रहा है ये चीज जब भी हम आई को इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रही होगी चीजें। अब 4 है तो अब जे भी वैसे ही काम करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो जब पहले जे 0 होगा तो क्या होगा, सेम नम्स ऑफ एल ऑफ आई प्लस जे, है ना, मतलब कि एल ऑफ 2 प्लस 0 बेसिकली 2 प्लस 0 2, ठीक है। लेकिन ये नम्स की है, ठीक है। तो नम्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5, है ना। तो यहाँ एरे के अंदर हमारा 5 आ जाएगा। सेम गोज फॉर जे इक्वल्स टू 1, इसके लिए क्या होगा एल ऑफ 2, इधर मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा, आप लोग कर सकते हो अगर करना हो तो, 3। तो नम्स ऑफ 3 हमारे पास क्या होगा, उसका जस्ट अगला एलिमेंट वो आते जाएंगे, ठीक है, 9, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस उसी तरह काम कर रहे हैं, ये जे वाले इंडेक्स हैं 0 1 2 3। तो देखो हमारा 0th पे यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, नम्स ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा थ्री, नम्स ऑफ 3 था तो वहाँ पे 9 आ गया। और उसी तरह अगर हम जे इक्वल्स टू 2 भी देखें तो क्या होगा, एल ऑफ 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4, है ना। तो अब हमें नम्स ऑफ 4 देखना है, ये नहीं कि 4 लिख देना वहाँ पे, ड्राइरन के टाइम पे ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो 4 क्या है हमारे पास, 4 5, है ना, 3 है हमारे पास, है ना। तो 3 यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। और फाइनली हमारा जे लूप कब टर्मिनेट होगा, आई कितने तक जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे 4 तक, है ना। तो बेसिकली जो हमारा एरे की साइज कितनी है हमारे पास, 4 है, तो 4 हमारा लेस देन मतलब 3, तो आई एक बार और जाएगा ये जे इक्वल टू 3 तक, ठीक है। तो 3 तक होते होते क्या होगा, हमारा जो एरे है यहाँ पे वो भी सेम, बस नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, तो 5 9 3 और 7, तो ये हमारा एरे सब एरे रेडी है। अब ये क्या होगा, ये जाएगा इज सेफ फंक्शन में, है ना, चेक करने के लिए। तो वो चेक करेगा कि यार पहले तो सॉर्ट करूंगा मैं इसको, तो 3 5 7 9 कर दिया उसने। अब ये क्या किया, जैसे कि सेव फंक्शन पे आ जाओ, यहाँ पे समझ आ जाएगा सेव फंक्शन क्या हो रहा है। तो शॉर्ट का काम हमने कर दिया, अब वो डिफरेंस निकालेगा कि 0 1 2 3 है ना। तो ये देखेगा कि क्या एरे ऑफ 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 कितना है, 5 माइनस 3 2, राइट, 2 है हमारे पास। अब वो क्या करेगा, इसको स्टोर कर लिया डिफ के अंदर, अब वो यहाँ से फर्दर आगे प्रोसीड हो गया 2 से, ठीक है, लेंथ तक जाएगा, है ना। और वहाँ पे वो चेक कर रहा है कि क्या जो हमारा आयत वैल्यू है वो i-1 वैल्यू से क्या वो डिफरेंस के इक्वल है, मतलब इन दोनों को पहले चेक कर रहा है क्या 7-5 भी 2 है, अगर है तो हाँ रिटर्न ट्रू हो रहा है, फॉल्स तो रिटर्न होगा नहीं, क्योंकि हाँ डिफरेंस के इक्वल तो है ना यार, 7-5 कितना होगा, 2 होगा। सेम गोज फॉर फिर आगे इंक्रीमेंट होगा तो 9-7 2, तो बेसिकली ये ट्रू रिटर्न कर देगा यहाँ से। और अगर हम देखें तो हमारा वही तो आउटपुट था ना इस टेस्ट केस के लिए, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका पैरा टेस्ट केस ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना, तो वैसे ही ऑर्डर में काम कर रहा है। तो अगर किसी को कोई डाउट यहाँ पे रह गया हो तो यार प्लीज मुझे ये कर सकते हो, यहाँ पे मुझे बता देना डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और यार सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है, इसमें बहुत सारे जल्दी कोर्सेस आने वाले हैं DSA के, तो जल्दी से रेडी रहो और सब्सक्राइब करो। लीड कोड के रोज डेली प्रॉब्लम्स में सॉल्व कराता रहूंगा, ठीक है। तो चलो यार फिर मिलते हैं अगले बार के लिए, नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस, बाय, टेक केयर एंड कीप कोडिंग।